Hello dear students, welcome back again to your channel. So now in this video we are starting from question number 6 onward of exercise 6.2, okay, of triangles chapter. So let us quickly start a 6th question. Please do like right now, otherwise you are forgetting every time. Okay, question number 6. See, the basic outer model I have drawn of triangle, other thing I am drawing while reading the question. ABC are the points on ABC, points right now I have not written. ABC are the points on OP, OP, OQ, OQ and OR and OR respectively. So ABC points in par hai, theek hai? Such that AB is parallel to PQ. जो ए बी पॉइंट है वो पी क्यू के पैरेलल है. तो वन लाइन आई एम ड्रॉइंग पैरेलल टू दिस. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट. ओके, ए सी इज पैरेलल टू पी आर. ए सी इज पैरेलल टू, ये दोनों पैरेलल, दिस टू आर पैरेलल, दिस टू आर पैरेलल. ए सी इज पैरेलल टू पी आर. ठीक है, सच दैट यू हैव टू शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. अब आपको शो करना है कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. दिस यू हैव टू प्रूव. ओके, तो व्हाट इज गिवन टू यू, यू आर गिवन दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. अगर ये इसके पैरेलल दी है तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, दिस ट्राइंगल, है ना. ये ट्राइंगल लेंगे तो कौन सा रेशियो हो जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए बी. सेम वे दिस इज पैरेलल टू दिस, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ओ पी आर. तो व्हाट विल राइट, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हमारे पास ये साइड कॉमन आ गई, तो व्हाट विल गेट, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर मिल जाएगा हमें, जो आंसर मिलेगा फ्रॉम दीज टू इक्वेशन. व्हाट विल गेट, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर वी विल गेट. तो इसका मतलब साइड्स ऑफ टू रेशियो आर इन सेम रेशियो, टू साइड्स आर इन सेम रेशियो, देयरफॉर बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर. ऐसे प्रूव करेंगे. ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं तो ये साइड इसके पैरेलल होती है, लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड. ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू अस, वेरी फर्स्ट वी आर गिवन ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड वी आर गिवन ए सी इज पैरेलल टू पी आर. टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट बी सी इज पैरेलल टू QR. What does it mean? Iska matlab that is, we have to prove that OB upon BQ is equals to OC upon CR. Agar hum ye prove kar denge to baat wahi hai ki hume prove ho jayega this is parallel to this. Theek hai, so now proof, what we always do, jo given hai hamesha usi se proof ho jata hai. Okay, no need to think extra thing. First we are taking S, AB is parallel to PQ. ए बी पी क्यू के पैरेलल है. सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू या पी क्यू ओ यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है, क्योंकि साइड पैरेलल है तो रेशियो में होंगे सेम. सो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, इक्वेशन नंबर वन. सेम वे वी आर गिवेन and as AC is parallel to PR, so using basic proportionality theorem in triangle OPR. Okay, so what will help, OA upon AP, ये triangle लेंगे, so इसमें ये side अगर इसके parallel है तो ये दोनों points हैं, so that means OA upon AP is equals to OC upon CR. Okay, equation number 2. From equation 1 and 2. You don't think that? Two things are given. From equation 1 and 2. So, these two are same. So, these two will be equal. OB upon BQ is equals to OC upon CR. OB upon BQ is equals to OC upon CR. As इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्राइंगल में द टू साइड्स आर इन सेम रेशियो, अगर दो साइड सेम रेशियो में होंगी, सो देयर फोर वॉट विल राइट, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, किससे, बाय
कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दिस इज प्रूव्ड. ओके सो है ना इजी, दिस होल एक्सरसाइज इज वेरी इजी. ओके लेट अस नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन टू अस. सी व्हाट इज गिवन, यू हैव डन दिस क्वेश्चन इन 9th क्लास आल्सो. यू विल गेट, यू विल रिमेंबर व्हेन आई रीड द चैप्टर क्वेश्चन. यूजिंग थ्योरम 6.1 मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करनी है हमें, ठीक है. प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्स द थर्ड साइड, ठीक है. सो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए बी सी, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्स द थर्ड साइड, ठीक है. तो हमें प्रूव करना है कि हमें गिवन है कि a line through the midpoint of one side of a triangle which is parallel to third side bisects the third side. Midpoint theorem padhi thi, okay, but here we have to use basic proportionality theorem, theek hai. So what is given to us? Very first you write given, you are given ki ye midpoint hai, so that means AD is equals to DB ho jayega, obviously equation number 1. And second this given to you, DE is parallel to BC, equation number 2. एंड ठीक है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, इट बाइसेक्स द थर्ड साइड. हमें प्रूफ करना है कि ए इज इक्वल टू ई सी, ए इसको बाइसेक कर रहा है तो दैट मीन्स ए और ई सी इक्वल होंगे. ओके प्रूफ, अब हमें गिवन है कि बी इज डी इज पैरेलल टू बी सी. अगर ये इसके पैरेलल है तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करनी है. एस DE is parallel to BC, therefore using basic proportionality theorem in triangle ABC. So sides will divide in the same ratio. So that means AD upon DB should be equals to AE upon EC. ये होना चाहिए. Now take help of this. AD is equals to DB. AD और DB equal है. तो we can write it AD upon, अब DB की जगह we can write AD, we can write AE upon EC. Here I am writing using equation 1, okay, as AD is equals to BB. तो हमने कीजिए cancel out, तो 1 upon 1, so that means cross multiply करो तो, so that means EC will come here is equals to AE. So EC is equals to AE. This is proved. Okay, very easy. We will use my basic proportionality theorem. Now let us start us question number 8. Now question number 8 is using theorem 6.2, matlab converse of basic proportionality theorem. Prove that the line joining the midpoint of two sides of a triangle. Iska matlab ye midpoint hai, ye bhi iska midpoint hai, theek hai. So let me say DE, and DE is the midpoints of these two sides. The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. So we prove karna hai DE is parallel to BC. What is given to us? Very easy. We are given that AD is equals to DB. Yes, iska midpoint hai. And AE is equals to EC. Equation number 1, equation number 2. To prove, प्रूफ क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है. अब हमें गिवन है ये दोनों इक्वल है, हमें प्रूफ करना है ये. प्रूफ ये करना है मतलब कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम क्या होती है, अगर ये दोनों सेम रेशियो में होंगे तो ये इसकी पैरेलल होगी, ठीक है. सो व्हाट विल राइट यूजिंग, प्रूफ लिखो, प्रूफ यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये दिया गया था उसमें, व्हाट इज AD, AD DB के बराबर है तो DB की जगह हम AD लिख देते हैं. अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, EC की जगह AE लिख सकते हैं, ठीक है. यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, ओके. सो 1:1, 1:1. सो देयरफॉर जो दोनों का साइड का रेशियो है वो 1:1 है. सो वी राइट एस बोथ द
साइड्स आर इन सेम रेशियो, देयरफॉर डीई इज पैरेलल टू बीसी. दिस इज योर प्रूव्ड वन. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट अवर नाइन्थ क्वेश्चन. सो नाइन्थ क्वेश्चन इज गिवन टू अस, ABCD is a trapezium. So let us make a trapezium. Okay. So let me say ABCD. Okay. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Given है कि ये दोनों parallel हैं. ठीक है. And its diagonal intersect each other at O. इन दोनों की इसकी the diagonal of this trapezium intersect each other at O. ये भी given है. Show that. So what is given to us? You write first. AB is parallel to BC and this is very important question. ठीक है, this and after this and question number 1, 2, 3, 4 are very important. AB is parallel to DC. Okay, this is given to us to prove AO upon BO is equals to CO upon DO. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. इसका मतलब AO upon BO. अब BO तो बिल्कुल अलग साइड हो गई. अगर हमारे पास ये होता AO upon OC is equals to, अभी DO है, DO upon OB या OB upon DO करना प्रूफ होता तो फिर भी हम कर सकते थे. तो what we can do, देखो इसको यहाँ पर AO के साथ कॉम्बिनेशन OC का होता है. तो ये OC को मैं अगर यहाँ रख दूँ और AO upon CO को मैं यहाँ ले आऊँ और BO को मैं ऊपर ले जाऊँ अपॉन डी ओ, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो ये भी तो प्रूफ ही माना जाएगा. फिर अगेन वी विल चेंज दिस. तो ए ओ के साथ कॉम्बिनेशन ए ओ अपॉन सी ओ होना चाहिए एंड बी ओ अपॉन ओ डी डी ओ. अब ठीक है, सो ये प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन सीक्वेंस, तो हमने इसको सीक्वेंस में रख दिया. प्रूफ फर्स्ट, वेरी फर्स्ट विल नॉट ट्राई प्रूफ. अब देखो क्या करना है, ए ओ अपॉन सी ओ लाना है. ए ओ अपॉन सी ओ इसका मतलब कि ये हमारी इसको टू रेशियो में डिवाइड कर रही है. तो व्हाट विल डू, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, तो इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए, तो हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन से वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई पॉइंट. ठीक है, सो इसको इसके पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू DC. तो we have drawn EO parallel to DC. तो by construction we have done. अगर EO हमने इसके parallel draw करी है और DC इसके parallel है, तो ये भी इसके parallel हो गई. So therefore, and we knows DC is parallel to AB. तो तीनों line आपस में equal हो जाएंगी. Therefore, EO is parallel to DC is parallel to AB. So all three line will be parallel to each other. Okay. Now proof. सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक दिस ट्राइंगल. ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने करा. सो देयरफॉर अब देखो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये दोनों पॉइंट लेंगे. ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ई डी. So AO upon OC is equals to AE upon ED. Equation number 1. अब हम देखो ये और ये पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DAB ट्रायंगल ले लेंगे नीचे को. ठीक है, एंड इन ट्रायंगल DAB as EO is parallel to AB. अब सेम वे विल राइट यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. हियर ऑल्सो विल राइट यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सो दिस साइड इज, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो डी अपॉन दिस इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी. ओके, व्हाट विल राइट डी ई, और वी कैन राइट ए अपॉन ई डी बिकॉज ए अपॉन ई डी वी हैव हियर. सो आई एम राइटिंग रिवर्स ऑफ इट. AE upon ED should be equals to DBO upon D. Okay, equation number 2. Now see equation number 1 and 2. These two are equal, so these two will also be equal. From equation 1 and 2,
इक्वेशन वन एंड टू दीज टू आर इक्वल, सो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO, तो BO को इधर ले आओ और OC को यहाँ ले जाओ, सो विल राइट AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO, दिस इज प्रूव्ड एंड आई टोल्ड यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दिस यू हैव टू डू, एनी हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ओके। So then let us start our 10th question, which is the last question of this exercise. So the 10th and last question is, this is also very important. The diagonal of a quadrilateral ABCD, abhi diya hua hai ki this is a quadrilateral, ye nahi diya this is a trapezium, okay. Intersect each other at O, iske diagonal O pe intersect karte hain, such that we are given AO upon OB ya BO is equals to CO upon DO, देखो AO upon BO is equals to CO upon DO, तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, AO upon CO नीचे कर लो is equals to BO upon DO, देखो AO upon CO आ गया ठीक, is equals to BO upon DO, एक ही लाइन में आ गया ठीक है, we can write like this, do this, ठीक है, so this is given to us, we have to prove that ABCD is a trapezium, to prove A, B, C, D is a trapezium. इसका मतलब that is, हमें प्रूफ करना है कि trapezium है तो हमें प्रूफ करना है कि DC और AB parallel है, ठीक है? This we have to prove. Same as ninth question, we will do construction in it. Same like that. Draw EO parallel to DC. ठीक है? यहाँ पर एक line पर draw कर देते हैं जो इसके parallel है. ठीक है, इसके पैरेलल नहीं, हमें प्रूफ करना है ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, सो प्रूफ, अब देखो दिस इज पैरेलल टू दिस, तो हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एओ अपॉन ओसी, अगर दिस इज पैरेलल टू दिस तो एओ अपॉन ओसी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ED. This let me say equation number 1. Up now what you can do, what you are given, up given look, we are given that AO upon OC is equals to BO upon DO. This is given to us. ठीक है? Yeah. Let me say this is equation 1, तो इसको 1 dash करो. This is equation number 1. This was given to us. So from these two equation, from equation 1 and 1 dash. ये दोनों सेम है, तो these two. A upon ED is equals to, this is D. Okay? A upon ED is equals to BO upon DO. अब यहां से देखो. A upon ED is equals to BO upon DO. BO upon DO, ठीक है? यहां नीचे से स्टार्ट किया तो यहां भी नीचे से स्टार्ट किया है. तो दिस रेशियो दिस इज इक्वल्स टू दिस रेशियो दिस, तो ये ट्राइंगल ये वाले में हो रहा है, इस ट्राइंगल में इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब कि ये और ये पैरेलल होंगे, ठीक है, कौन सी थ्योरम है, कन्वर्स, सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ए अपॉन ईडी is equals to BO upon DO, which shows EO is parallel to AB, proved, okay, so this was your 10th question and last question of exercise 6.2, okay, so hope you enjoyed the video, because this exercise is very easy, but little you have to do the work, okay, but it is very easy, once you will start it, just very interesting, if you start automatically the answer will come, okay, so please, again I'm telling you, please like and share the video, thank you very much, keep doing it, bye bye.